नमस्कार, वेलकम टू द वेस्ट जोन सीरीज ऑफ प्रमोटिंग लिविंग ट्रेडिशंस। टुडे वी आर विद तिलक गिताई जी, हु इज अ पद्मश्री अवॉर्डी इन 2017। आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, ये बहुआयामी प्रतिभा है। ये पेंटिंग्स, स्कल्पचर और मेटल एम्बॉसिंग, ब्रॉन्ज, ही डज ऑल ऑफ इट। ये इनको घुट्टी में मिला, इनके नाना जो गंगा सिंह जी के दरबार में बीकानेर में थे। गंगा सिंह जी हैड कॉल्ड देम बिकॉज ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वहाँ से उनको ये विरासत में मिला। हम आपसे ही पूछते हैं, वेलकम टू अ सीरीज ऑफ प्रमोटिंग लिविंग ट्रेडिशन। आप बताएं हमें, आपकी ये जर्नी कैसे चालू हुई? मेरे पिताश्री मास्टर कोट पेंटर थे बीकानेर डिजाइनर्स गंगा सिंह जी के, और उनको कला जो है वो उनके नाना से मिली थी, जो यहाँ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के वाइस प्रिंसिपल थे और होल एंड सोल थे, और उन्होंने उनको जो है कला में आगे बढ़ाया। और इसके बाद उनकी कला को देखते हुए वो महाराजा गंगा सिंह जी ने उनको बीकानेर बुलाया बिफोर इंडिपेंडेंस। आई वॉज बॉर्न इन बीकानेर और कला मुझे विरासत में मिली है। उसके बाद हम लोग वापस जयपुर माइग्रेट हो गए और मेरी स्कूली शिक्षा चलती रही। स्कूल में भी मुझे ड्राइंग में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते थे। और एक बार का तो वाकया बहुत मज़ेदार है कि जब मैं मेरे को ड्राइंग टीचर ने दिया ड्राइंग बनाने को, तो उन्होंने वो ड्राइंग देख करके कहा कि तुमने चीटिंग की है और बटर पेपर से इसको छापा है, ये हाथ से बनाई हुई नहीं है। मैंने सर मैंने हाथ से बनाई है। तो उन्होंने देखा कि अभी इसकी हवा निकल जाएगी, मेरे को चौक दे के बोर्ड पे खड़ा कर दिया कि जाओ अब वहाँ ड्रॉ करो कुछ और। मैंने वहाँ ड्रॉ कर दिया जाके। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जो कंपटीशन होगा इस स्कूल में, बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड तुमको मिलेगा जी। इस तरह ये जर्नी मिली। हम हिंदू धर्म में जिनका सर्व प्रथम और प्रथम पूजनीय है गणेश जी महाराज, उनसे शुरू करते हैं। ये कृति आप देखिए, ये अभी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाई हुई है, पर आपने रूबरू इसको मार्बल में भी बनाया है। ये गणेश जी हैं जो गोल्ड में बनाए, 24 कैरेट गोल्ड यूज किया है जी। तो रिद्धि सिद्धि भी आपके साथ नजर आ रही है इसमें। आप हमें बताएंगे, या पहले ड्राइंग करते हैं इसकी जी, फिर ड्राइंग करके फिर इसमें जो है इसको एम्बॉस करते हैं। एम्बॉस करने के बाद इसमें गोल्ड लीफ जो है स्टक करना पड़ता है, उसके बाद इसकी फिनिशिंग शुरू, रंग भरते हैं उसके बाद। तो रंग आप किससे बनाते हैं? ये सारे नेचुरल स्टोन कलर्स और मिनरल्स और हर्ब से बनी हुई कलर्स हैं। जैसे कुछ बताएं, क्वार्ट्ज, जेड, ये बहुत सी जो है ऐसे कि ये सारी पुराने जो देसी रंग होते थे उसमें नीला जैसे जो है वो आपके लैपिस लाजुली से भी बनता था और नील कलर की पत्तियों से भी बनता था। इसी तरह से जो रेड कलर है वो आपके जो है हिरमिट से भी बनता था, इंडियन रेड जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है वो आपके शिंगरफ से जिसे बोलते हैं, वो एक मिनरल आता उससे बनता था। इसी तरह जो है वो और दूसरे कलर हैं उनके लिए, हरे के लिए जो है वो ये था कि हरा भाटा हमारे यहाँ निकलता था, और सीलू एक होता था। ये ऐसे कुछ स्टोन कलर्स हैं जिनको कि तैयार करना पड़ता था। पीला भी ऐसे ही है, पेवड़ी भी होती थी, गऊ गोली भी होती थी, और उसमें हड़ताल भी होती थी। तो बहुत से ऐसे कलर हैं जो, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये, जो हर्ब्स आप मेंशन कर रहे हैं क्या वो अभी भी मिलती हैं? वो बायोडायवर्सिटी है अभी? अब उनमें ये है कि मिलना मुश्किल हो गई है और नहीं मिलती है, बल्कि बहुत से कलर को डिसअपीयर हो चुके हैं। जैसे अब जैसे गऊ गोली तो बनाना भी नहीं जानता कोई आदमी, तो गऊ यूरिन से बनता था। और ऐसे और भी जो कलर आ रहे हैं, और गऊ गोली से कौन सा रंग बनता था?
वो एक ऐसा येलो कलर होता था जिसमें अगर आप उसको अल्ट्रा वायलेट अगर रेज डालें तो वो गोल्ड की तरह चमकता। और खड़िया बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी खड़िया भी नहीं मिल रही है। ये जो आपको शिंगरा वगैरह मैंने बताई, हंसराज हिंदू जिसे बोलते हैं, वो नहीं मिल रहा है। कई कलर अब मिलना मुश्किल हो गए। ये एक और गणेश जी की पेंटिंग है और मैं आज आपसे पूछती हूँ, ये जयपुर स्कूल की है शायद। जी, जी। तो इस जयपुर स्कूल में और बाकी जैसे किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या इस पे फर्क है? क्योंकि जो नैन नक्श होते हैं जिसे आइकोनोग्राफी बोलते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट उसमें होती है। जयपुर स्कूल तो बहुत कुछ, कभी कभी ऐसी पेंटिंगें भी हैं जिसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कि ये किशनगढ़ है या जयपुर है। तो क्योंकि किशनगढ़ पास में ही है जयपुर के, तो इसलिए बहुत सारी शैलियाँ जो हैं वो जगह के हिसाब से जो है डेवलप हुई और उनकी थोड़ी डिफरेंट आइकोनोग्राफी है। जोधपुर है, मेवाड़ है, जैसे जोधपुर और मेवाड़, जोधपुर और जयपुर में क्या फर्क है? वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा फर्क है जो आपको देख करके ही आइडिया होगा। दर्शक नाक नक्श हैं, आंखें हैं मेरी, उनकी हाइट का भी है कि किसी में हाइट ज्यादा नहीं ली गई है। किशनगढ़ में जैसे इलोंगेटेड है सारे फिगर्स भी उनकी सारी चीजें, जयपुर में नहीं है। ये जो गणेश जी की कृति है ये अपने आप में एक अद्भुत कृति है, क्योंकि आप देखिए गणेश जी की एक पुत्री संतोषी माँ, जिनका जन साधारण में कुछ समय पहले बहुत ज्यादा प्रचलन था, लोग व्रत करते थे, वो विराजमान है, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। माय राइट, रेयरली वो पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। मेरी दोनों गणेश पेंटिंग रेयर हैं, एक में पूरा परिवार है जैसा मैंने अभी दिखाया है, इसमें जो है वो रिद्धि सिद्धि के साथ में माँ संतोषी है जो इनकी डॉक्टर। ये एक और दूसरी अद्भुत कृति है, आप देखिए इसमें गणेश जी का पूरा परिवार नजर आ रहा है, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी, शुभ लाभ भी बैठे हैं। और उनके जो वाहन है चूहा, सफेद चूहा, वो इनको इनकी गाड़ी को सवारी इनकी लेके जा रहे हैं। बहुत ही शानदार पेंटिंग है। गणेश जी की पूरी शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ कम ही देखने को मिलती है। ये लक्ष्मी जी हैं, हम सब अब दिवाली की ओर चल रहे हैं, कुछ दिनों में दिवाली पूजन करेंगे। आप देखिए ये कितनी सुंदर कृति है लक्ष्मी जी की, आप हमें बताइए इसमें क्या खासियत है? कमल पे तो विराजमान है। हाँ जी, ये दरअसल में हमारा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, देखिएगा इनको हाथी भी इनका जो है अभिनंदन कर रहे हैं जी। ये धन की दात्री हैं तो इनको इतना रिच बनाना जरूरी है कि कम से कम उनके भाव वैसे ही आए देखने वालों को, पूजा करने वालों को। देखिए ये बहुत रेयर पेंटिंग है, ये राम सिंह जी टू जो जयपुर के, जिन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट को एस्टैब्लिश किया, ही वाज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। उन्होंने एक मंदिर, राज राजेश्वर सिटी पैलेस में मंदिर है जिसके दर्शन सिर्फ साल में एक बार होते हैं। ये इट इज एज ओल्ड एज 3 सेंचुरीज। ये पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है, उसकी कॉपी तिलक गीताई साहब ने करी है। ये बांके बिहारी है बाबा हरिदास के आराध्य देव हैं, और कहा जाता है बाबा हरिदास उनकी रोज पूजा करते थे, निधि वन में उनको दर्शन देते थे इसी रूप में। और ये भी कहा जाता है कि उनके शिष्यों ने एक बार उनसे कहा कि आप तो पेड़ पौधों से बात करते हैं, हमें उनके दर्शन कराइए, तो माने। फिर बाबा हरिदास ने अपने आराध्य देव से अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आके यहाँ विराजिए। ये मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो स्वरूप है जी कृष्ण भगवान का जी, इसके पीछे की पूरी कहानी फिर आप बताएं। देखिए जब ये इनके दर्शन सबको करवाए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की भगवान कृष्ण से कि मैं राधिका जी के लिए रोज 16 श्रृंगार कहाँ से करने के लिए लाऊंगा, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दोनों एक ही में समा जाएं और एक ही रूप में आ जाएं। तो ये बांके बिहारी एक्चुअली में वो रूप है जिसमें राधिका जी उन्हीं में समा गई जी। तो ये सारा उनका भव्य श्रृंगार है, और कहा जाता है कि इस श्रृंगार को करने में
रोज करीब करीब 1 लाख रुपए के फूल और जो है ये सब लाए जाते हैं उनके पीछे उनका श्रृंगार करना करने के लिए। और किस मैंने कहा इतना डोनेशन कहाँ से आता है रोज, कहने लगे अगर आप करवाना चाहोगे तो आपका साल भर बाद नंबर आएगा जी, मतलब इतने डिवोटीज वहाँ बैठे हुए हैं कि जो इनकी। तो इस पेंटिंग में आप देखेंगे ये गरुड़ भगवान है, आपने गरुड़ भगवान को कैसे? देखिए विष्णु के अवतार है तो इनकी सवारी वही होती है इसलिए मैंने। और ये है सिंबॉलिक है राधा रानी का जो इनमें समा गई है और ये जुगल जोड़ी इस रूप में सामने भक्तों को दिखती है। श्रीनाथ जी है इस स्वरूप का दर्शन वल्लभाचार्य को हुआ जो वल्लभ कुल संप्रदाय के फाउंडर भी हैं। और श्रीनाथ जी ने इस पेंटिंग में देखिए इसमें उत्तरा वाली में ये फर्क है कि यहाँ इन्होंने गोवर्धन उठा रखा है जिससे इनका नाम पड़ा गिरिधरन। इसमें ये गौ जो बहुत ही प्रिय है भगवान को कहा जाता है, वो बचपन में गौ चराने जाते थे, एग्रेरियन सोसाइटी थी और हर प्रकार से गौ हम जनता को जनमानस को पालती थी इसलिए आई थी माता कहा जाता, है। और ये देखिए ये श्रीनाथ जी, ये शैली कौन सी है भाई? नाथद्वारा शैली है और इसमें इनके पुजारी दोनों तरफ पूजा में खड़े हुए हैं, सखियां हैं जो कि नृत्य कर रही हैं और चारों तरफ आप देखिए गोल्ड में गायें ही बनाई गई हैं। हाँ ये गाय भी आप देखिए गोल्ड में। सो कृष्ण भगवान का हमेशा एक बहुत भव्य स्वरूप रहा है। ये जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे 24वें भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने हमको मानवता को एक मंत्र दिया अहिंसा परमो धर्म। ये जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, हाँ कह सकते हैं ये ट्रेडिशनल जैन पेंटिंग है। तो जयपुर में जैन पेंटिंग में और कुछ अपने पुरानी जो जैन शैली है उनमें तो बहुत फर्क है, जैसे ग्रंथों में बनी है उसमें एक आंख उन्होंने बाहर दिखाई है, उनकी आइकनोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये रियलिस्टिक बाद में जैसे जयपुर स्कूल में काम हुआ उसी तरह से, ये पूरा उनका मंत्र लिखा हुआ है नमोकार मंत्र, ये भी 24 कैरेट गोल्ड में है। हाँ पेंटिंग सारी उसी की बनी है, वही नेचुरल स्टोन कलर। ये देखिए मुगल शैली में भी आपकी बहुत सारी कृतियां हैं और एक से एक बारीक काम और जीती जागती कृतियां हैं। ये नोहा द फेमस नोहाज आर्क मुगल शैली में बनी हुई, आप बताएं इसके बारे में भाई साहब। ऐसा था जब ये पृथ्वी पे ये हुआ कि ये पृथ्वी जो है वो जलजला आया है डूब जाएगी, तो ये सभी जानवर आदमियों को जहाज में भर के एक सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे थे। ये नोहार ये बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है और आपके इसमें कुरान में अच्छा, तो ये वो पेंटिंग है एक्चुअल में जो नोहा आर्ट पे बनी है जी। अब आप इसके बारे में बताएं। देखिए ये जो पेंटिंग है इसमें अकबर अजमेर में जो इनकी दरगाह है सूफी संत ख्वाजा साहब की, वहाँ मन्नत मांगने के लिए गए। मैं इनके कोई संतान नहीं थी तो उसके बाद में जो है उन्होंने सलीम जो इनके हुआ। और ये भी नोहा आर्क पे ही देखिए अलग अलग कंपोजिशंस हैं मुगल पीरियड के, ये भी नोहा आर्क पे है। ये कोर्ट है, ये कोर्ट सीन है। मुगल शैली और राजस्थान शैली में क्या फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है क्योंकि ये बाबर जब अपने साथ में पर्शिया से आया था तो उसको अपनी पर्शियन आर्टिस्टों को लेके आया था, तो ये जो शैली में जो काम हो रहा है वो पर्शियन शैली तो इससे भी डिफरेंट है। और उन्होंने जब हमारे राजस्थानी कलाकारों के साथ मिलकर काम किया तो एक नई शैली का जन्म हुआ, वो है मुगल। और हमारे यहाँ तो राजा महाराजा धार्मिक थे और थे तो वो उसी तरह से उनके चित्र बने हैं। और ये इनकी एक्टिविटीज़ पे दरबार सीन है, शिकार है
और ये इस तरह की नुआ आर्क है, ये सब्जेक्ट बने और वो एक ग्रुप में होते थे। यहाँ भी ग्रुप में बनी है पेंटिंग्स, लेकिन वो डिफरेंट हैं थोड़ी सी शैली में। और ये मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट और पर्सनल वैभव पे ज्यादा एक, और ये ज्यादातर एल्बम्स में बनी है जबकि वो पेंटिंग्स अलग तरह से अलग अलग। ये तो बुक्स जो उनकी थी, उनमें बुक्स में जो पूरी वो लिखते थे, उनके साथ में सचित्र किताब होती थी जी। आइए आपको और एक भव्य मुगल पेंटिंग्स का कलेक्शन है, आपको उसके भी दर्शन करा दें। ये तीनों चारों पेंटिंग अकबरनामा की है। ये इनका टेम्पररी कोर्ट सीन है जो कि टेंट में लगाया गया है और कोई इनको इनकी शरण में जो है वो सबमिशन के लिए आया है। ये हंटिंग पेंटिंग है अकबर की, ये सब एनक्लोजर में इनको घेर के लगाया जाता था, अरेंज हंटिंग होती थी, वो भी इसी तरह से हंटिंग पेंटिंग है। ये अकबर की काफ़ी फेमस हंटिंग पेंटिंग्स हैं क्योंकि उनको शिकार वगैरह का बड़ा शौक था। ये गीताई साहब की सबसे पहली पेंटिंग है, मैं 20 साल का था मैं जी। तो ये देखिए मेरी ओरिजिनल कंपोजिशन है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ मेरी बहुत प्रिय शैली रही है, शुरू से मेरा काफ़ी रुझान रहा है और मैं ये फील करता रहा हूँ कि मास्टर निहाल चंद जैसे हमारे यहाँ पुनर्जन्म माना जाता है, वो शैली का जन्मदाता था। तो मैं मर के वापस जो है वो तिलक गीता ही निहाल चंद का ही इनकार्नेशन हो ऐसा मैं फील करता हूँ क्योंकि बहुत मेरी प्रिय शैली है, उसमें मैंने बहुत काम किया जी। मेरी पूरी रागमाला मैंने इसी में चित्रित की है और ये प्रूव किया है कि पर्टिकुलर मेलोडी मेरी पेंटिंग से निकलती है जी। वो 500 सालों में जो नहीं हुआ वो मेरा पूरा का पूरा जो है एक रिसर्च काम। शायद हम आपकी जो साधना और तपस्या है, लोग कहते हैं जब इंसान का अंदर का भगवान जागता है, स्पिरिचुअलिज्म जब जगता है, तब इतना आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट एक प्रभुति रूप लेता है। मतलब मेरी भावना ये रहती है कि पेंटिंग तो बहुत लोग करते हैं, मैं जानता हूँ तो अच्छी हुई की कोई बात नहीं है। मेरी धारणा ये रहती है कि जो पेंटिंग है उसमें से मैं कुछ कोशिश ये करता हूँ, मेरी ड्राइंग्स में कलर्स उन समय से एक म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, एक अलग सी आभा, एक अलग सी चीज़ उसमें डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। इधर देखें आप भगवान शिव का जो तांडव है, आप उसका वाटर कलर और ये सब उसमें बनाई है मैंने वॉश शैली में, तो आप देखिए किस कितना ज़बरदस्त इनका जो है रौद्र रूप है। ये एक बहुत ही स्पेशल क्रिएशन है, एक फूल होता है पारिजात जिसको मौलसरी भी कहते हैं और कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को वो बहुत प्रिय था और वो लेजेंड हैज इट दैट ही गॉट इट ऑन अर्थ फ्रॉम द गार्डन ऑफ इंद्र, वहां से वो लेके आए। और ये जो पेंटिंग आपने किताई साहब ने बनाई है, ये इन्होंने पारिजात को भिगो के सिर्फ पारिजात से जो रंग निकले उससे बनाई है। ये उस समय की है जब आपको पद्मश्री से नवाजा गया था प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एंड गीताई साहब। दिस इज तिलक गीताई साहब सीन विद बिल क्लिंटन द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट हु केम टू जयपुर, और ये उनकी सुपुत्री हैं चेल्सी। और आप देखिए ये जो हाथ पे गीताई साहब की रागमाला दिख रही है जो कि क्लिंटन साहब खरीद के लेके गए इसको, एम आई राइट? पेंटिंग्स भी खरी हुई है इन्होंने मेरी जी। रागमाला द मिसिंग लिंक का कवर डिजाइन है। देखिए ये फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल अवार्डी प्रेजेंटेशन है टू तिलक गीताई साहब। देश में आप पहले पेंटर थे जिनको मिला था मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए, और इसकी उत्पत्ति दिस इज ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट वाज गिवन ड्यूरिंग अशोका द ग्रेट्स टाइम। यहाँ ये त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे कैसे आर्टिस्ट की उत्पत्ति हुई ये दिखाया गया है। क्राफ्ट्समैन कैसे जो है उनका उद्गम हुआ देवताओं से, क्योंकि विश्वकर्मा ने सबसे पहले जो है इस तरह से जो है शुरुआत की दस्तकारों की, और वो लोग जो है उन्हीं का प्रतिरूप है भगवान जी। और हमारे यहाँ कला कभी भी साधना से या तपस्या से अलग नहीं रही। नहीं, नहीं, नहीं। It was never an activity exclusive of a person's reverence for God. देखिए ये रंग है जो आप यूज करते हैं अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स में,
पहले तो कहा जाता था कि ये जो ब्रश है, these brushes were made from the hair of the squirrel. Am I right, bhai sir? और क्या animals के पहले काम में आते थे बाल? सेबल नेवले के काम में आती थी जी, लेकिन स्क्विरल को तो हम लोग पकड़ते हैं और उसकी पूंछ के बाल काट के छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं जी, क्योंकि मरी हुई स्क्विरल के काम नहीं आते। वो क्यों? उसमें वो दम निकल जाता, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो उसमें नहीं रहता। अच्छा। और जो ये नेवले से बनती थी मोटे काम के लिए ब्रश वगैरह, वो नेवले को मार देते थे, जिंदा नहीं पकड़ते थे, इसलिए उसमें बैन हो गया। इसमें भी हो गया, टोटली बैन हो गया, तो अब ये सिंथेटिक बालों की ब्रशें काम में आ रही हैं। तिलक किताई साहब के फादर, इन्होंने हमें बताया गंगा सिंह जी के कोर्ट में थे बीकानेर डिजाइनर्स, और उनका एक ही जीवन का मूल मंत्र था कि असंभव कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शायद वही इनको विरासत में मिला। और आप देखिए, ये अद्भुत पेंटिंग्स तो करते ही हैं, पर ये स्कल्पचर है जो आपने सैंडस्टोन में बनाए हुए हैं। सैंडस्टोन है, दूसरे और स्टोन है, ये उड़ीसा का स्टोन है, ग्रीन ये वाला देखिए, मेटल है, वुड है, ये देखिए, ये मेटल में मैंने बनाया पहले मॉडल वुड में जी, क्योंकि लॉकडाउन में हम कहीं बाहर नहीं जा रहे थे जी, तो मुझे लकड़ी भी अच्छी नहीं मिली, लेकिन मैंने उसमें ये मॉडल बनाया, फिर उसको ये देखिए मेटल में कास्टिंग किया, अभी अब इसको फाइनल करूंगा मैं। किस मीडियम में करेंगे उसको? ब्रांच में होगा ये, पर ये अभी मॉडल से इतनी प्रक्रिया जो है इसकी वर्ती, तो ये देखिए मेटल भी बना हुआ, ये भी तो आप ब्रॉन्ज में भी काम करते हैं ज्यादा ये देखिए आप इसके मसल्स देखिए, अमेजिंग। इसका आप बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, यू कैन ऑलमोस्ट पॉइंट आउट एवरी मसल इन दिस बुल। फादर ये कहते थे कि हाथी हाथ घोड़ा बाकी सब थोड़ा थोड़ा। अच्छा। इनमें इनकी एनाटॉमी और फोर्स और ये सब इतनी होती है ड्राइंग्स कि अगर इसको आदमी ने ठीक से सीख लिया तो वो मास्टर हो गया ड्राइंग का, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल में मसल्स हैं, इसकी जो दौड़ है, वो सब उसमें फोर्स है, वो सब आना चाहिए। हमारे यहाँ जो कहा गया है कि मनुष्य और महिला एक दूसरे के पूरक हैं, ये उसका मॉडर्न वर्जन है अर्धनारीश्वर का। ये मेटल में बने हुए इंसेक्ट्स हैं सारे ब्रॉन्ज में, इतना बारीक काम आपको मेटल में स्कल्पचर में नहीं मिलेगा किसी का भी देखने। या तो भारत सरकार की मिंट में बन सकते हैं या तिलक गीताई बना सकता है। और मेरे सिक्कों की खास बात यह है कि इतना उभरा हुआ है कि आप जेब से कोई सिक्का निकाल लो, इतना प्रोफाइल नहीं मिलेगा। तनसिंह जी का बस्ट है, इन्होंने धर्म के उत्थान के लिए बहुत काम किया, और राजस्थान में इनकी एक बहुत महत्ता है। Am I right? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम किए हैं, और हम लोग इस तरह के कामों के जो है ना, ये जितने आप रेयर काम देख रहे हैं मेटल में, राजा महाराजाओं के मोनोग्राम्स हैं, रॉयल सिंबल्स हैं, मेरे अलावा आज भी कोई बनाने वाला नहीं है। और बटन की साइज से लेकर के बड़े बड़े पीस बनाए मैंने। ये जयपुर की आइकॉनिक पोस्टर बिल्डिंग है हवा महल, ये आपने किस मीडियम में बनाई है? मेटल में है, ब्रास गोल्ड प्लेटेड। और वो छोटा एक हवा महल दिखाइए जरा, ये क्या मीडियम है? चांदी, प्योर सिल्वर। प्योर चांदी में बनाया हुआ है, और आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर में बना हुआ है ये, इतना छोटा, इतनी सारी विंडो के साथ, इतनी डिटेलिंग में कोई भी आज तक किसी ने हवा महल नहीं बनाया होगा। ये चाइनीज इन्फ्लुएंस भी है, इटालियन मार्बल में आप देखिए, दिस इज अ ड्रैगन, अ रिक्लाइनिंग ड्रैगन जी। ये आपको कहाँ से ऊपर जाए? किसी एंटिक से प्रभावित होके मैंने इसको जी जी। और ये यहाँ शेर है, ये जी, ये ब्रॉन्ज में है मेरा बनाया, ब्रॉन्ज में जी, स्टडी देखिए टाइगर, ये सब ब्रॉन्ज में बनाए हुए हैं मेरे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स एंड ब्रॉन्ज। ये कैमल दिखाइए, इसकी दाढ़ी का भी एक एक बाल देख सकते हैं, इतनी फाइन डिटेलिंग है मेटल में। ही इज माय फादर विद द प्रेसिडेंट वीवी गिरी। इतना
भाई साहब आप हमारे दर्शक को बताइए आपकी कितने साल की जर्नी है ये? 50 साल से ज़्यादा ही हुए मैं 73 में रन कर रहा हूँ जी। और आपने शुरुआत पेंटिंग से करी? जी, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में। मैंने जो नॉर्मल पेंटिंग्स हैं वो करते करते जो है मैंने सबसे पहले यहाँ से 11th करने के बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ 12th नहीं होती थी जी, मैंने IGD बॉम्बे किया, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जामिनेशन मुंबई से किया, तो उसके बाद में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, फिर यहाँ का मैंने जो है वो डिप्लोमा किया, तो उसके बाद में मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मैंने जो यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट वहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था, सिर्फ 20 लोगों को एडमिशन मिलता था, उसके लिए 300-400 लोग जो है एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दे जाते थे। और सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान में BFA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉलेज ऑफ आर्ट से, उससे पहले BFA नहीं, डिप्लोमा बना लिया, उसके बाद फिर मेरी अपनी प्राइवेट जर्नी शुरू हो गई काम करने के लिए, हर तरह का काम करना। वैसे तो मैं स्टूडेंट था तब भी खुद ही कमाता था, खुद ही करता था, स्कॉलरशिप मुझे 5 साल मिली राजस्थान ललित कला अकेडमी से भी, और वहाँ मेरिट में आने से, और यहाँ नौकरियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिली मुझे जी, इवन यूनिवर्सिटीज़ में और में, और मैंने फ्रीलांस काम करना ही पसंद किया। वो शायद आपके फादर से आया होगा, कहते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बीकानेर डिजाइनर्स के बहुत रोकने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अपने देश वापस जयपुर जाऊंगा क्योंकि अब देश आजाद है और मैं इंडिपेंडेंट काम करूंगा। शायद वो स्वाधीनता आपके चिंतन में वहीं से आई। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आप रेस्टोरेशन वर्क भी करते हैं ओल्ड पेंटिंग्स। मैंने बहुत जबरदस्त काम किया रेस्टोरेशन का, प्राइवेट और म्यूजियम्स का। और एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यहाँ हमारे राजभवन का, गवर्नर हाउस का एक बहुत बड़ा जो है कलेक्शन मिनीचर पेंटिंग्स का बहुत ख़राब हुआ हुआ पड़ा था, तो 2005 में यहाँ डॉक्टर SK सिंह गवर्नर बन के आए, तो उन्होंने कहा इतनी प्रेशियस चीज़, वो बड़े कला प्रेमी थे और ये जयपुर कला नगरी है और इनकी जो है इतनी बड़ी दुर्दशा है तो ख़त्म ही हो जाएंगी अगर इनको रेस्टोर नहीं किया, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये रेस्टोर हों। तो उस वक्त तक मुझे पद्मश्री तो नहीं मिली थी, लेकिन मैं उनका करीब 40 साल से काम करता था गोल्ड मेडल्स का, जब यहाँ OP मेरा गवर्नर थे तब से मैं वो गोल्ड मेडल बना रहा था, तो उन्होंने यहाँ के कई आर्टिस्टों को बुलाया और वो उनकी कंडीशन ये थी कि ये यहीं आगे करनी पड़ेगी, ये इस प्रिमिस से बाहर नहीं जाएंगे, इनको आप यहीं रेस्टोर करेंगे। तो मैंने सुना कि सभी कलाकारों ने जो है वो मना किया और काम कोई करने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं जो यहाँ के काम कर सके, तो उन्होंने कहा साहब एक है आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको सबसे पहले नेशनल अवार्ड मिला मिनीचर, तो बोले उनको अब तक लाए क्यों नहीं, तो उनका बायोडाटा लाओ पहले, उन्होंने मेरा बायोडाटा मंगाया, फिर कहा इनको बुलाओ। जब मैं गया तो मुझे पीछे की कहानी नहीं मालूम थी, इन्होंने कितने लोगों को बुलाया और क्या किया क्या नहीं किया, तो मैंने कहा साहब मैं कर दूँगा, मेरी कंडीशन है, मेरी शर्त है मुझे, तो उन्होंने कहा भाई वो बताओ पहले क्या है। मैं कहा साहब देखिए ये पेंटिंग्स मैं यहीं आके करूँगा, मुझे नहीं मालूम था कि वो भी यही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे छुपाया बताया नहीं, कहने लगे आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं कहा साहब इसमें से कोई जो सबसे ज़्यादा ख़राब पेंटिंग है वो मुझे रेस्टोर करने के लिए दे दो, मैं उसको ऐसा कर दूँगा, उसकी कॉपी भी ऐसी कर दूँगा कि आप किसी भी लैब में ले जाकर उसको टेस्ट कराएं तो वो नहीं जान सकता कि ओरिजिनल कौन सी है कॉपी कौन सी है। तो मीडिया वाले और लोग जो है आपकी उंगलियाँ उठाएँ यहाँ से चोरी हो गई और ये डुप्लीकेट रखी हुई है, तो यहाँ आके करूँगा, और मेरी कंडीशन ये है कि आप उसको पहले स्कैन करवाएंगे कि इसकी ये पोजीशन है, और जब मैं कर दूँगा तब भी वो दोबारा स्कैन होगा। तो इस तरह से जो है मैंने उनको पूरा, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको आपको एक जो सबसे ख़राब है मुझे बता दें, मैं इसको फर्स्ट क्लास जो है रेस्टोर कर दूँगा, आप बताइए कहाँ से ख़राब। मैंने सुना आपने मुरर जो सबसे पहले शतिका ने आए थे जो पेंटर थे और ऑयल पेंटिंग के वो बहुत बड़े कलाकार थे, आपने उनका भी काम रेस्टोर किया है? जी बिल्कुल, एक रेयर पेंटिंग मुझे सिटी पैलेस की मिली रेस्टोर करने को, जिसके लिए सभी ने मना कर दिया था, और उनका कंडीशन भी यही थी कि ये म्यूजियम में होगी आकर के, और उस पर बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो हार्डबोर्ड पर बनी हुई थी, अब उसके जब टुकड़े हो गए 8-10 तो वो कैसे जोड़े हैं और उसका जोड़ नहीं दिखना चाहिए, और उस ज़माने का कलर, आज कोई भी नया कलर आप लगाते हो ऑयल पेंटिंग तो अलग दिखेगा,
तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको मैंने किया, वो आज भी लगी हुई है। आप कह नहीं सकते ये 10-12 पेंटिंग्स में से ये वाली टूटी। आपको नमन है, आप वेस्ट जोन फॉर कल्चर के लिए आपने इतना समय दिया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये वीडियो हमारी एक छोटी सी भेंट है कला को समर्पित, और आप जैसे कलाकारों को समर्पित, वो सबको अच्छी लगेगी। थैंक यू सर।